ये जब 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो ये गति कैटेगरी 5 के तूफान से भी ज्यादा होती है। ये आंखों के सामने कब आई, कब ओझल हो गई, पता नहीं चलता। ये है जापान की शिंकांसेन यानी बुलेट ट्रेन। इन सरपट भाग की ट्रेनों को जापान में शिंकांसेन कहते हैं। आज जापान में शिंकांसेन यानी बुलेट ट्रेनों का करीब 1500 किलोमीटर लंबा जाल है, जिस पर 337 से लेकर 428 ट्रेनें हर रोज दौड़ रही हैं। इन ट्रेनों की अधिकतम स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटे है। हालांकि कोशिशें जारी हैं कि स्पीड के इस रिकॉर्ड को भी तोड़ा जाए। JR 東日本は、最近、次の新しい新幹線の開発モデルを作ることを決めました。現在は320キロ運転ですけれども、360キロ運転を可能にする新しい新幹線の開発に着手しています。अच्छी बात यह है कि जापान की शिंकांसेन यानी बुलेट ट्रेन अब भारत में भी आ रही है। इस प्रोजेक्ट में जापान भारत में अहमदाबाद से मुंबई तक बुलेट ट्रेन चलाने में मदद कर रहा है। इस परियोजना की घोषणा जून 2015 में की गई। 2015 दिसंबर में इस परियोजना को लेकर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर भी किए गए। अब यानी 2018 में इस परियोजना पर काम शुरू हो चुका है। Japan and India has made an agreement for the Mumbai Ahmedabad high speed rail project. Since then we had lots of progress such as standards and specifications almost fixed, and some construction work has been started. And also the human resource development area, we made some progress. शिंकांसेन यानी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का विचार जापान की सरकार को 1939 में आया था। उस वक्त अखबारों में इसे ड्रैगन रेशा यानी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। योजना थी कि टोक्यो शहर को शिमोनोसेकी से जोड़ा जाए। ट्रेन की रफ्तार रखनी थी 160 किलोमीटर प्रति घंटे और दोनों शहरों के बीच की दूरी को 9 घंटे में तय करना था। 1941 में इस प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू हो गया। कुछ टनल और कुछ दूसरी ढांचागत सुविधाओं का विकास किया जाने लगा, लेकिन इस बीच दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और ये प्रोजेक्ट काफी सालों के लिए टल गया। 1945 में जापान ने विश्व युद्ध में अपनी हार स्वीकार कर ली। युद्ध ने जापान को इस कदर बर्बाद कर दिया कि उसे हर चीज फिर से करनी पड़ी। लेकिन 1949 में जापान नेशनल रेलवेज ने एक सार्वजनिक कंपनी का रूप अख्तियार किया और JGR नेटवर्क को खरीद लिया। 1957 में एक बार फिर हाई स्पीड ट्रेन की तरफ ध्यान दिया गया। योजना बनाई गई कि टोक्यो और ओसाका के बीच एक ऐसी ट्रेन चले जो 396 किलोमीटर का ये सफर सिर्फ 3 घंटे में तय कर सके।
योजना पर काम शुरू होता है। नवंबर 1958 में पहली बार एक्सप्रेस कोडामा को टोक्यो से ओसाका यानी टोकाइडो लाइन पर बसे इन शहरों की दूरी तय करने का मौका मिलता है। ये दूरी 7 घंटे में तय की जाती है। ट्रेन की टॉप स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटे रहती है। इससे उत्साहित सरकार टोकाइडो शिंकानसेन के निर्माण को मंजूरी दे देती है। 1961 में जापान को विश्व बैंक से $80 बिलियन का कर्ज मिलता है। इस कर्ज का एक हिस्सा शिंकानसेन के विकास में भी लगाया जाता है। 1 अक्टूबर 1964 को टोकाइडो शिंकानसेन के जरिए टोक्यो से ओसाका की सेवा शुरू की जाती है। इस समय ये शिंकानसेन 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने के लिए तैयार थी। एक तरफ जहां जापान में सफल शिंकानसेन यानी बुलेट ट्रेन का लॉन्च हो गया था, वहीं दूसरी तरफ इसके विस्तार और इसकी गति बढ़ाने को लेकर भी काम शुरू हो गए थे। गति को लेकर दूसरा पड़ाव तब आया जब तोहोकू शिंकानसेन ने 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के बैरियर को तोड़ा। इसके बाद 1990 में जो इत्सु शिंकानसेन 275 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार अख्तियार करती है। 1997 में सान्यो शिंकानसेन ने पहली बार 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ी। इस रफ्तार के रिकॉर्ड को करीब 16 साल बाद तोहोकू शिंकानसेन ने तोड़ा जब इसने 320 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड प्राप्त की।財政的な余裕はほとんどありませんでした。そのため、日本は当時の日本国鉄ナショナ、JNR、ジャパンナショナルレールは、世界銀行からお金を借りてこの新幹線を作り上げました。で、当時在来線、ブレットトレインではなくて、普通のそれまである同じ鉄道で線路をもう一本引くか、あるいは高速鉄道にするか、大変大きな議論がありました。さまざまな議論の結果、大きな技術的な飛躍を目指して、日本は新幹線を導入することを決めました。जापान में जब रेल का विस्तार किया गया तब समस्या ये आई कि ये ट्रेनें रखरखाव में महंगी थीं। जापान में इन ट्रेनों के विकास के लिए जरूरी था कि एक ऐसा बिजनेस मॉडल तैयार किया जाए जिससे आय के लिए सिर्फ ट्रेन के टिकट से होने वाली आमदनी पर निर्भर ना रहना पड़े। ये जगह देखने से एक मॉल जैसी नहीं लग रही है? दरअसल ये मॉल नहीं है, ये एक रेलवे स्टेशन है। दरअसल ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जिससे यात्रियों को एक नया अनुभव मिल सके और सरकार को राजस्व का एक और जरिया। टोक्यो के इस रेलवे स्टेशन पर आप खान पान से लेकर कपड़ों और आर्टिफैक्ट्स तक की शॉपिंग कर सकते हैं। इस बिजनेस मॉडल से रेल कंपनियों को काफी लाभ हुआ। आज जापान रेलवे लिमिटेड की 40% आमदनी रेलवे स्टेशनों पर बसाए गए बाजारों से होती है। Carries not only the passengers but also bring the economical benefit for the area, especially around the residential area. So the railway operator will develop the railway system
more and more, but the local government will develop its area, station area, to make much more benefit indirect or directly from the high-speed rail project. अगर स्टेशनों की बात की जाए तो टोक्यो के पुराने स्टेशन से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई है। आज भी जब हम स्टेशन में दाखिल होते हैं तो अंदर जाकर खूबसूरत जापानी कलाकृति से सुसज्जित गुंबद से रूबरू होते हैं। टिकट लेने के लिए यहाँ वेंडिंग मशीनें हैं, लेकिन अगर आप वेंडिंग मशीनों से अनजान हैं, तो भी मैनुअल तरीके से टिकट खरीदा जा सकता है। प्लेटफॉर्म पर लोगों को इंतजार करना होता है। इस इंतजार के लिए भी बकायदा लाइनें बनी हैं। जो ट्रेन पहले आ रही है उसकी लाइन पहले और फिर दूसरी लाइन उन यात्रियों के लिए जो बाद में आने वाली ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। ट्रेन जैसे ही आती है सफाई कर्मचारियों की टीम प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रही होती है। वो यात्रियों से कूड़ा बटोरती है और फिर अंदर से ट्रेन की सफाई करती है। इस पूरी प्रक्रिया में ट्रेन को यार्ड में नहीं जाना पड़ता। यही कारण है कि जापान की बुलेट ट्रेन यात्रियों को काफी भाती है।日本の新幹線は子供連れでも使いやすいように、多目的室っていうところがあって、そこで授乳ができたりとか、あとおむつも買えるスペースがあるので、子供連れでも安心して使えます。前はね、よく乗ったけど、 今ちょっと2回ぐらいしか乗ってないです。行き帰りね。この親戚のものの、ちょっと用ができたもんで、今度は行きます。行ってきます。早くていいと思いますよ。いや、僕はもう今年入って結構10回ぐらい乗ってますね。はい。駅弁ですね。はい。इस बुलेट ट्रेन का अनुभव करने के लिए राज्यसभा टेलीविजन की टीम ने टोक्यो से होंजो वसेडा स्टेशन तक की यात्रा की। ट्रेन के डिब्बे जुड़े हुए थे। यात्रियों के बैठने की सुविधाएं कुछ वैसी ही थीं जैसी आमतौर पर भारत में शताब्दी ट्रेनों में हुआ करती हैं। हाँ, इन ट्रेनों में शॉकर्स अच्छे थे जिससे टॉप स्पीड पर जाने पर भी कंपन बहुत कम थी। जापानी अधिकारियों के मुताबिक स्पीड को लेकर अभी और काम किया जाना बाकी है। Some companies, railway companies, which operate high-speed railway, is now developing much higher high-speed rail, high-speed rail systems, developing signaling, developing rolling stocks and others. So some feature will be the speed up. J
जापान में शिंकांसेन के विकास को हर उस जगह के विकास के साथ जोड़ा गया जहां जहां से ये होकर गुजरी, जैसे होंजो वसेडा स्टेशन। ये पहले कभी छोटी सी जगह हुआ करती थी, अब बाकायदा यहां के पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस शहर में अब एक यूनिवर्सिटी भी खुल गई है। भारत में भी बुलेट ट्रेन को लेकर ऐसी ही योजनाएं बनाई जा रही हैं। The economic dimensions will change in the area wherever the bullet train is there. The economic dimensions will change. The social character will change, and lot of improvement will happen. Socio-economic improvement will happen, which in the areas wherever it is served by bullet train. जापान में बुलेट ट्रेन लाना एक चुनौती थी। पहली चुनौती तकनीक का विकास और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। भारत की चुनौतियां भी कुछ ऐसी ही हैं। यहां के लोगों के मन में कुछ भ्रांतियां हैं और जमीन को खरीदने में भी मुश्किलें सामने आ रही हैं। एक तो प्रोजेक्ट के बारे में काफी भ्रांतियां हैं। उन भ्रांतियों को हमें दूर करना है। जब प्रोजेक्ट आएगा तो एक बार जब पहला प्रोजेक्ट आ जाएगा तो लोगों को जो एक डाउट है, जैसे एक मैं आपको उदाहरण बताऊं, मैं कुछ लोगों से जब बातचीत कर रहा था तो एक उनके दिमाग में ये था कि इतनी तेज रफ्तार से ये गाड़ी चलती है तो आधे किलोमीटर तक कोई खड़ा नहीं रह सकता है इसके आसपास। अब ये एक भ्रांति है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे नॉर्मल गाड़ी चलती है वैसी बुलेट ट्रेन चलेगी और आप आराम से खड़े रह सकते हैं उसके बगल में। तो इस प्रकार की कुछ कुछ भ्रांतियां हैं, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब इस सवाल पे अभी कुछ भी जवाब हम देंगे तो उस पे सवाल उठेंगे कि ये सही है या ये गलत है। वो तो जब प्रोजेक्ट आएगा तब समय बताएगा। ऐसा नहीं है कि भारत की बुलेट ट्रेन जापानी शिंकांसेन की कार्बन कॉपी होगी। भारत की बुलेट ट्रेन की कई खूबियां होंगी जो फिलहाल किसी को भी चुनौती लग सकती है। There are few areas specific to the project. 21 kilometer long tunnel. A portion of it is under the sea, under Thane Creek. First time we will be doing such a large tunnel, around 13.5 meter diameter large tunnel. First time we will be building a bridge over existing Vadodara railway yard, around 220 meter long span, one single span. This has not been done in Shinkansen in Japan also, which we will be doing here. So there are technological challenges, but we are planning, we will get over them. जापान में शिंकांसेन को चलते अब लगभग 50 साल हो चुके हैं। उसने इसे चलाने और मैनेज करने में महारत हासिल कर ली है। ये महारत भारत को भी हासिल करनी होगी। हमें तकनीक के साथ साथ उनकी संस्कृति को भी सीखना है। उसमें थोड़ा सा हमें समय लगेगा।
हमें चूँकि भाषा एक बहुत बड़ा एक चुनौती होती है, तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे लोग जापान की भाषा, जापानीज़ भाषा को सीखें, उनके साथ इंटरेक्ट करें, और प्रयास हमारा ये कि हमारे लोग इतना प्रोफिशिएंट हो जाएं कि वहाँ जा कर के शिंकानसिन चलाएं, वहाँ का अनुभव लें और फिर उस अनुभव को लेकर के यहाँ पर आएं। तो हमारा प्रयास है और इस प्रयास में मुझे उम्मीद है कि 5-7 साल में हम लोग सफल होंगे। एक बात तो तय है कि जब अहमदाबाद से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन चलेगी तो इसका किराया आम ट्रेनों से ज्यादा होगा। जापान में भी शिंकानसेन का किराया ज्यादा है, लेकिन भारत सरकार का कहना है कि किराया ज्यादा होने के बावजूद ये फायदे का सौदा होगा। आज हम अहमदाबाद से बॉम्बे आप कार से जाते हो तो 7 से 8 घंटा लगता है। आपका 8 घंटे की प्रोडक्टिविटी इस्तेमाल नहीं हो रही है, आप कार में बैठे हुए हो, जबकि आप ट्रेन से जाओगे तो वो पूरे के पूरे 2 घंटे भी जो आप ट्रेन में लगाओगे, पहले तो 8 घंटे की जगह 2 घंटे, तो 6 घंटे आपके किसी और प्रोडक्टिव वर्क में आपने लगाए, तो आपकी देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो इसी तरीके से आता है, आपके और मेरे घंटे की वैल्यू है, पैसे हैं उसके, तो अगर आप उन घंटों को किसी प्रोडक्टिव काम में लगा रहे हो तो देश की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। तो इस प्रकार से जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जो कंट्रीब्यूशन जाता है, उस कंट्रीब्यूशन में बुलेट ट्रेन के आने से बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। भारत में बुलेट ट्रेन 2023 तक दौड़ने लगेगी। हालांकि इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे लोगों का कहना है कि इस समय सीमा से पहले भी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पूरा किया जा सकता है, लेकिन जापान में बुलेट ट्रेन अगर सफल हुई है तो वहां की संस्कृति भी इसकी सफलता का एक कारण रही है। ये ट्रेनें हमेशा टाइम पर रहती हैं, यात्रियों को कभी सफाई जैसी परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ता। बात ये भी है कि यात्री भी यहाँ प्लेटफॉर्म पर अनुशासित रहते हैं। जापान में बुलेट ट्रेन की सफलता का एक कारण ये भी रहा कि यहाँ के लोगों, सरकार और कंपनियों ने सोच समझकर एक रणनीति बनाई और उस पर चले और उसका पालन किया। हम भी ये कर सकते हैं जब हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट आएगा और शुरू होगा। सरकार तो अपना काम करेगी, हमें भी अपना काम करना होगा। जैसे छोटी सी ही बात लीजिए, जैसे एक क्यू में खड़े होना, इंतज़ार करना, साथ में धैर्य से इंतज़ार करना, ये छोटी छोटी बातें ही होती हैं जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट को सफल बनाती हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप देखिए राज्यसभा टेलीविजन। नमस्कार।